ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है और कांग्रेस प्रत्याशी पलवल से जो है करण दलाल, वो अपने अनाज मंडी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा? हमारा पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक तरफा चुनाव है। 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही हैं। हर वर्ग हर बिरादरी भाजपा से बहुत बुरी तरह से तंग है, नाराज है, और कांग्रेस की बनी हुई हुकूमत में पलवल की विधानसभा के 36 बिरादरी के लोग शामिल होना चाहते हैं। और जो हमारी समस्याएं हैं पलवल के लिए, अंबार है समस्याओं का जो बीजेपी के राज में हुआ है, उन सब से निजात दिलाएंगे। सरकारी रोजगार बच्चों को देंगे, लड़कियों को देंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी लाएंगे, यहाँ स्टेडियम बनवाएंगे, यहाँ खेलने के वो बनाएंगे, और हॉस्पिटल हम यहाँ लेकर के आएंगे, मेट्रो को पलवल लाएंगे। बिना टिकट मिले करण दलाल नॉमिनेशन भर देते हैं, बिना चुनाव हुए कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बन गई है। ये जो मेरा अनुभव है, 25 साल में विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, हरियाणा में 10 साल जो सरकार रह लेती है, 10 साल में बीजेपी की सरकार से लोग इतने दुखी हुए, इतने कभी दुखी नहीं हुए। तो ये आप कहीं भी जा कर के देखिए, हर जगह हजूम खड़ा है। जहाँ भी जाता हूँ लोग सर आँखों पर बैठा रहे हैं। जवान हर वर्ग का, हर बिरादरी का मेरे साथ है। हर गरीब बिरादरी, हर बैकवर्ड भाई, हर किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, कर्मचारी सब इस वक्त पलवल विधानसभा में आपको कहते हुए नजर आएंगे कि यहाँ चुनाव एक तरफा है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक बार आप जीतते हैं, फिर आप हारते हैं, फिर जीते, फिर हारे, तो इस बार कितने श्योर हैं? जो मैं चुनाव 2009 में हारा वो आत्मविश्वास की वजह से, और मुझे लंबा समय हो गया था। और जो 2019 में मैं हारा, उस वक्त बीजेपी की जो लहर थी उसकी वजह से लोगों के मन में आया कि भाई हमारे काम नहीं हुए, हम काम करवाएंगे। अब 10 साल लोगों ने मुझे हटा करके देख लिया, तो फिर से लोगों में मेरे लिए जो स्नेह और प्यार बना है, वो विश्वास को वो दोहरा रहे हैं। तो अब क्या ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा, ये मेरा 8वां चुनाव है, लेकिन जो लहर मैं आज देख रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग पलवल विधानसभा में 36 बिरादरी के लोगों की हो रही है, मैंने ऐसा उत्साहित चुनाव कभी नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूँ। कौन से बड़े नेता पलवल में आने वाले हैं कैंपेनिंग के लिए कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, राज बब्बर जी आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी का भी प्रोग्राम बन रहा है। तो हम केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने पलवल में अपनी कलम से लोगों का भला किया है। अब बीजेपी के नेता भी आ रहे हैं तो हम इनसे पूछते हैं, भाई तुम काम तो बताओ, तुमने यहाँ काम क्या किया? देश के प्रधानमंत्री 3 दफ़ा यहाँ के लोगों ने जिता करके भेजा है, लेकिन फरीदाबाद पलवल की बदहाली आप देख लीजिए। हमारे कोई दोनों जिलों में बीजेपी की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इलाके को लगे कि भाई हमारी सरकार है। बाकी मेट्रो बल्लभगढ़ तक हम लाए, फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज, वहाँ के बाईपास, वहाँ का सीवर सिस्टम, सड़कों का फ्लाईओवर, पलवल को जिला बनाना, अस्पताल बनाना, कॉलेज बनाना, सीवरेज, पानी, बाईपास, ये सब हमारी कांग्रेस का देन है। बीजेपी वाले एक काम गिनवाए, उन्होंने किया क्या है हमारा? प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है 2 अक्टूबर को आपके बराबर में गतपुरी में, क्या लगता है कि कांग्रेस वोटों में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उल्टा मोदी जी अगर आ रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्हें एक लिस्ट तो लेके आनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री है हमारे, हमारे लोगों ने उनको 3 दफ़ा सांसद चुन करके भेजा है, तो एक काम तो गिनवाए ना, वो यहाँ उन्होंने काम क्या किए हैं। उनका स्वागत है, वो आए, लेकिन उन्होंने किया क्या है, किस हक से वोट मांगने आ रहे हैं, क्या भला किया? आज भरोती ली जा रही है पलवल में, कहाँ गई मोदी जी की सरकार? आज यहाँ गुंडा राज चला हुआ है, अधिकारी लोगों को लूट रहे हैं, चारों तरफ जो बेईमानी के ठेकेदारी और सारी व्यवस्था ठप हुई पड़ी है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री, विधायक या ही बोलते? आज वो इधर आ रहे हैं तो बोलना चाहिए कि हमने ये काम किया, कोई तो गिनवाए एक काम। अभी आपने मंच से कहा कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को लूटा है,
उनका हिसाब किया जाएगा, तो हिसाब करने का क्या मतलब है? हिसाब करने का ही मतलब है कि बीजेपी के राज में जो बीजेपी नेताओं की देखरेख में यहाँ के अधिकारियों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि हर काम के लिए व्यापारियों को डराया, उनसे रिश्वत ली है, GST के अधिकारियों ने ली है, मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने ली है और दुनिया भर के अधिकारियों ने यहाँ जो रिश्वत ली है उन्हें यहीं पंचायत में बुला करके उनकी रिश्वत वापस करवाऊंगा और अगर नहीं हुई तो उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। अच्छा, आपके सामने बीजेपी के प्रत्याशी हैं गौरव गौतम, वो कह रहे हैं कि करण दलाल पलवल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति करना चाह रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि उन्हें यमुना पार छोड़ कर आऊँ। वो भाई है छोटा, चाहे मैं कहीं भेज दे, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इलाके का नया बालक है तो वो हमें यमुना पार भेजते रहेंगे तो हम पलवल के ही। तो ये थे कांग्रेस के पलवल से प्रत्याशी करण दलाल, जो कि बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर पलवल के लोगों से जो लूट हुई है उसका हिसाब किया जाएगा। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज़रूर प्रधानमंत्री को लिस्ट लानी चाहिए कि पलवल में उनके 10 साल के शासन में क्या काम हुए हैं। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।